अंगिरी जी, एक चीज मैंने नोटिस किया है कि अक्षय को ना एक्टर होना चाहिए था। क्या एक्टिंग की है वहाँ पे, मतलब सब डर गए, स्पेशली मम्मी जी। गॉड, और मेरी लास्ट वार्निंग सुन के ना हर्ष ने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। जानकी, ये बता तुम्हारी सास सविता का क्या हाल है? मम्मी जी के तो बुरे हाल है, लगता है डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही है। देखती तो जाओ आगे आगे क्या क्या होता है। जानकी कौन है? जंगिरी जी, कोई बात नहीं, भाभी हमारे साथ ही है। जानकी, एक मुसीबत हो गई है। क्या हो गया भाभी? दादी ना सच में डरने लग गई हैं। वो वापस से जिद कर रही हैं कि उन्हें उन्हें पंडित जी को मिलना है। पर द मेन प्रॉब्लम इज कि राजेश भी साथ में आना चाहता है। पता नहीं वो बीच में कैसे आ गया। अब तुम तो जानती हो ना राजेश को, तो मैं मना नहीं कर सकती, उसे बता भी नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, आखिरकार राजेश भी डर ही गया ना, है ना जानकी? अब तुझे क्या हुआ, तुझे तो खुश होना चाहिए था। अरे जैसा हम लोगों ने सोचा था सब वैसा ही तो हो रहा है। अंकिली जी, सब वैसा ही हो रहा है, पर दादी जी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। वो कितनी बीमार है, और ऐसे में अगर वो पंडित जी से मिलेंगे तो क्या पता वो वापस, नहीं वो पंडित जी से नहीं मिल सकती है। अक्षय, मेरा मतलब है पंडित जी का इस्तेमाल तो हम लोग सिर्फ मम्मी जी को डराने के लिए कर रहे हैं ना, और उनके लिए करेंगे। भाभी, मुझे वैसे भी राजेश भैया की कोई चिंता नहीं है, पर दादी उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स जानकी, हम सब यहाँ पर जो खड़े हैं ना वो अच्छे से जानते हैं कि तुम दादी से कितना प्यार करती हो, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हो। तुम्हें ये सब जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, पर ये जो खेल तुमने शुरू किया उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर ये खेल खत्म नहीं होगा, बीच में रुक जाएगा, तो कैसे सच का पता लगा पाओगी, ये बताओ। इसलिए जो प्लान है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। जय, टेंशन मत लो, दादी बिल्कुल परेशान नहीं हो गए, और वंदना भाभी सही कह रही है, जो खेल शुरू किया है उसे हम बीच में रोक नहीं सकते। वंदना भाभी, आप एक काम करो, राजेश और दादी को पंडित के पास लेके आओ। पंडित इज रेडी। पक्का? आई एम श्योर। हेलो, क्या हुआ रंगीली जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? नितिन का फोन था, वो बहुत परेशान है, कह रहा था जब से तुम्हारी मौत की खबर बाबा ने सुनी है उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। भगवान, एक ही बात, एक मुसीबत। हाँ, मैं अभी पापा के पास जाना होगा, वो मुझे देखकर वो ठीक हो जाएंगे। वो तो भाभी, वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, कहीं कुछ हो गया तो। नहीं नहीं भाभी, हमें अभी जाना होगा, आप लोग सब संभाल लीजिए। जय जय जय, प्लीज प्लीज एक मिनट, तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते। तुम जया हो और वो लोग बहुत शातिर हैं, अगर उन्हें जरा सी भी भनक लगी ना कि जया जानकी के घर गई थी, तो उन्हें एक मिनट नहीं लगेगा पूरा प्लान समझने में। प्लीज अभी तुम कहीं नहीं जा सकती, प्लीज। अक्षय बिल्कुल ठीक कह रहा है जानकी। अक्षय भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मेरे पापा की जान की बात है, उसे तो रिस्क में नहीं डाल सकते ना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम अभी गई तो तुम अपनी और अपने पेरेंट्स दोनों की जान खतरे में डालोगे। जानकी, क्या करूं? नितिन अकेला नहीं है, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी उसके पास, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कैसे आपका शुक्रिया अदा करें रंगीली जी, जब भी आपकी जरूरत होती आप हमेशा हमारा साथ देती, थैंक यू। अब हम एक काम करते हैं, हम मम्मी और नितिन के लिए खाना बना कर दे देते, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा ना। हम आते भाभी। हे भगवान, मुझे माँ और नितिन के लिए खाना बनाना है, पर कैसे बनाऊं? हर्षित, हर्षित, शो योर फिंगर, हर्षित। जब कट करना नहीं आता है तो क्यों कट कर रहे थे? आपको पता है मैं आपको पेन में नहीं देख सकती। Oh,
ये क्या कर रही थी? क्या था ये? कुछ नहीं, वो आप वो सेप्टिक हो जाता है इसलिए। सेप्टिक हो जाता, मेरा हाथ कटता, मेरा गला कटता, मेरा कुछ भी कटता, तुमको क्या मतलब है? मतलब है कि फिर आपको कोई बहाना मिल जाएगा यहाँ रुकने का अपनी फैमिली के साथ, तो वो थोड़ी ना मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं इस रिसोर्ट में ना रुकूं, इस कारण तुम मेरे जख्म को हील कर रही? तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? जिस काम के लिए नहीं बने वो काम कर ही क्यों रहे? बिजनेस संभाली ना, बिजनेस टाइकून है आप। बिजनेस टाइकून से पहले बेटा हूं, एंड आई नो हाउ टू बी अ गुड सन। काश आपकी माँ भी यही समझती, काश वो आप जैसे बेटे की माँ होने के लायक होती। मैं जानता था, मुझे पता था तुम लोग आओगे। क्यों माता जी, हो गया विश्वास कि आपकी बहू पे एक साया है? पंडित जी, मुझे तो तभी विश्वास हो गया था जब आपने घर पे इस बारे में बात की थी। बैठो। बाबा, लेकिन आपको कैसे पता कि माँ के ऊपर आत्मा का ही साया? बता मुझे पूरा सच, बता। जानकी बेटा माफ कर दे। ऐसे नहीं, वो उसको तकलीफ देगी। जिसने उसको तकलीफ दी है सजा देगी उसे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। चुप कर बालक। आ गई है, मतलब आएगी वो और बदला लेगी, छोड़ेगी नहीं तुझे। तुमने उस आत्मा को बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दी है ना? ना, मैं कुछ भी नहीं किया। झूठ, पाप छुपते नहीं है। तूने उस पवित्र आत्मा के साथ बहुत गलत किया, उसे कमरे में बंद किया, उसे मारा और उसके साथ तूने। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने दादी। झूठ, फिर झूठ, सब दिख रहा है मुझे। बहुत तकलीफ दी है तूने उसे, छोड़ेगी नहीं तुझे, वो नहीं छोड़ेगी। बाबा, मैंने तुझे और राम को पहले ही कहा था कि उस गरीब को इतना मत सताओ। ये भगवान पता नहीं क्या होने वाला है। जानकी माफ कर दे, माफ कर दे जानकी। छोड़ना नहीं इस मूर्ख को, तकलीफ देना, दर्द देना, इसके पापों की सजा इसे मिलनी चाहिए। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ गाड़ी से। मैं लेकर गाड़ी से। तुम कहाँ जा रही हो? पानी लेने जा रही हूँ ना। हाँ, तुम बैठो यहीं, दादी है ना तुम्हारे साथ। बम बम भोले। जानकी, हमारा प्लान काम कर रहा है। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अंकिल जी, आप यहाँ? हाँ, जानकी चली गई तो मैं हूं ना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नितिन, ये अकेले सब कुछ संभालेगा तू? बोल। हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। जानकी, जानकी को कोई बुला, बुला लो उसको। काश मैं आप सबको बता पाती कि आपकी जानकी जिंदा है। देखिए ना रंगीली जी, पूरा दिन ऐसे ही जानकी जानकी करके बुलाते रहते हैं,
अब हम कहां से लेकर आए जानकी? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नितिन, ये थोड़े पैसे हैं, रख ले। नहीं रख लीजिए, ये पैसे हम कैसे रख सकते हैं? क्यों, क्यों नहीं रख सकता? यूं समझ ले कि ये पैसे तेरी बहन ने दिए, रख ले। ये लीजिए रंगीली जी, और ये कुछ पैसे नितिन को दे दीजिएगा। वो बहुत स्वाभिमानी है, वो नहीं लेगा, पर आप प्लीज उसको कन्विंस कीजिएगा। हाँ मैं जानती हूँ उसके पास पैसे नहीं होंगे पापा के इलाज के लिए, पर इससे उसकी मदद हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन 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 कुछ नहीं नितिन, मना मत कर, रख ले नितिन। धन्यवाद। अरे हम आप सबके लिए खाना लेकर आए हैं, चलो आओ खाते हैं। क्या जरूरत था? आइए आइए आइए, आ जाओ। ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना दी के हाथ का बनाओ। ये खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। अच्छा है ना? ठीक है, मैं चलती हूँ। नितिन, कोई भी जरूरत हो मुझे बताना, ठीक है ना? खुश रहो। हाँ हाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। हाँ हाँ खाना भी खा लिया, बस मैं पटना के लिए निकल ही रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, समझी ना? ठीक है। क्या गिल्लू जी किससे बात कर रही थी? मम्मी जी, मम्मी जी। जल्दी चलिए, इसके पहले ये उठ जाए। चलो चलो। देख लो भाभी, उनके चेहरे पे मिट्टी लगी, उसे पहले साफ कर देते। आ जाइए। हाँ चलो चलो, ठीक है। जानकी को बुला। रंगीली जी जो खाना लाई थी उसका टेस्ट बिल्कुल दी के हाथ के खाने के जैसा था।
और रंगीली जी फोन पे किससे बात कर रही थी, वो भी हमारे बारे में। ऐसा कौन हो सकता है? कहीं जानकी दी तो नहीं थी? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर दी है तो हम लोगों से मिली क्यों नहीं? ऐसा नहीं होता कि पापा की ऐसी हालत में उन्हें देखने भी नहीं आती। क्या करें जानकी? पापा, जानकी पापा, पापा जानकी दी आ जाएंगे। पापा जानकी बुला उसको। मम्मा, मम्मा, राजेश भैया, मम्मा, मामा, मामा, क्या हुआ? मम्मा आराम से, आराम से, सविता आराम से बैठ। मैं राजेश भैया, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। राजेश भैया, डैड डैड डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। पानी दो, पानी पानी। मम्मा, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मा आके बोलो ना प्लीज। मम्मा कुछ नहीं होगा आपको, मैं कह रहा हूँ ना, आके बोलो। मम्मा सविता, सविता क्या हो गया तुझे? हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा हमारी? ओह गॉड, कितना ड्रामा होता है इस घर में, कोई सो भी नहीं सकता। मुझे तो लगता है सर्कस है, हमेशा शो चलता ही रहता है। अपना मुंह बंद रखो फिर, समझ में आया? प्लीज अपनी आवाज ऊंची करके बात मत करो। तुम अपने तेवर नीचे रखो फिर, समझ में आया? इनफ। पापा डॉक्टर आ रहे हैं, मैंने बात की अभी रास्ते में। अरे पर अचानक सविता को हुआ क्या? डैड आप यहाँ पर क्यों नहीं थे? मम्मा के पास होना चाहिए था। अरे सविता को डिस्टर्ब नो, इसलिए हम बाहर अपना काम खत्म कर रहे थे। डैड आपको मन में मम्मी का है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मार डालेगी याती। सविता कौन आया था? जानकी, जानकी याती, वो याती, याती। कोई नहीं कुछ नहीं होगा, मैं आपको कह रहा हूँ। मम्मा यहाँ पर हम पूरा परिवार है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बोलूँ। कुछ नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। आइए आइए डॉक्टर साहब बैठिए। देखिए ना सविता को क्या हो गया, अचानक बहकी बहकी बातें कर रही है वो। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, आपको जानकी का भूत है, हमें मारने आया है। अब तो विश्वास हुआ ना तुम लोगों को कि पंडित जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था? हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। मम्मी जी, आपने पक्का जानकी का भूत ही देखा था? ऐसा तो नहीं कि आपको कोई वहम हो गया? ये बन्ना क्या कर रही हो, कैसी मार डाली हुई, टोटा रहा जूने। ये सब उस पंडित ने किया है, उन्होंने इनके दिमाग में बैठा दिया, इसलिए ऐसे हो गई। मम्मा मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई यहाँ पे भूत प्रेत नहीं है। आपको अब जो भी मेडिसिन हो सकती है, आप इनको कोई मेडिसिन दीजिए प्लीज जल्दी से। डॉक्टर साहब आखिर प्रॉब्लम क्या है, सविता इतनी डरी डरी घबराई हुई क्यों? पापा जी, मम्मी जी कह रही थी कि उन्होंने जानकी का भूत देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है, जानकी का भूत? आई थिंक स्ट्रेस की वजह से, या हो सकता कोई भ्रम हो। पर इससे उनकी हेल्थ पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? आई मीन इतना डर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों डर रही हैं। आज तक मेरी मॉम ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बावजूद इसके वो इतना डर रही हैं। मैं अरे इनके इस डर की वजह बहुत ही सीक्रेट है हर्ष, तो केवल मैं ही जानता हूँ। यस, नॉट गुड फॉर हेल्थ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी बीमारी बढ़ जाएगी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर प्लीज, आपको जो टेस्ट कराने कराइए, जो मेडिसिन देनी है दीजिए, तो मम्मी जी को ठीक कर दीजिए। बस कुछ टेस्ट और हो जाएं, वैसे मैंने स्पेशलिस्ट को रिकमेंड कर दिया है, तब तक आप इनका ख्याल रखिए और इन्हें खुश रखिए। अगर ऐसे स्ट्रेस रहती रही तो इनकी हालत और बिगड़ सकती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ख्याल रखेंगे। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। थैंक यू। नितिन कहाँ जा रहे हो? आप तो जानते हैं ना कि पापा के इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए, और अभी रंगीली जी ने जो पैसे दिए उससे कब तक काम चलेगा? हमारी क्रिएटिव से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि एक पार्ट टाइम जॉब है हमारे लिए, तो हम चलते हैं। नितिन वो सब तो ठीक है, पर हम अकेले, ये सब अकेले कैसे? वो सब मैनेज हो जाएगा, हमने निशा को कॉल करके बुला लिया, वो सब मैनेज कर लिया। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना अपना। हाँ आप भी अपना ख्याल रखना, और पापा अंदर आप प्लीज। हाँ आप अंदर जाइए माँ, फोन करना। जी जी। माँ हमें जानकी दी के बारे में पता लगाना है, क्योंकि हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हम सच पता करने जा रहे हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि हर्ष जी जो इन दोनों अपने रिजॉर्ट पर हैं, जानकी दी के बारे में हमें वहीं से कुछ पता चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि माँ को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों फील कर रही है? जानकी के भूत के चक्कर में उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ ना जाए।
उनको ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कोई स्पेशलिस्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर जानकी दी जिंदा है तो वो जरूर शास्त्री परिवार के आसपास ही होंगी, यहीं पर हमें सच का पता लग सकता है। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।